हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सैल्मन ऑयल के बारे में। इसका फीडिंग करवाएं या ना करवाएं, या फिर करवाएं तो कैसे करवाएं, कब दें उसे और कैसे करवाना है, और उसका बेनिफिट क्या क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सैल्मन ऑयल की कंटेंट की बात करें तो इसमें मेनली टू ही कंटेंट होते हैं, जिनमें से पहला है ओमेगा 3 और दूसरा है ओमेगा 6। ये फैटी एसिड्स हैं जो कि डॉग के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। तो इसीलिए हम अपने डॉग को सैल्मन ऑयल दे सकते हैं। इसके अलावा ये फ़ायदा क्या करेगा, ये जो दोनों फैटी एसिड्स हैं ये फ़ायदा क्या करेंगे, और सैल्मन ऑयल है इसका क्या फ़ायदा है, तो चलिए ये भी हम लोग जान लेते हैं। नंबर वन, अगर किसी डॉग को सैल्मन ऑयल दिया जाए तो उसका इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी कि एग्जांपल में मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मौसम बदलते ही डॉग बीमार हो जाता है या फिर सर्दी जुखाम हो जाता है, तो ये सब कंडीशन में अगर आप लोग सैल्मन ऑयल देते हैं तो ये प्रॉब्लम आपके डॉग को नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोग अगर सैल्मन ऑयल अपने डॉग को देंगे तो ये सारी जो दिक्कतें मैंने बताया है, सर्दी जुकाम या फिर मौसम चेंज होते ही डॉग बीमार हो जाता है, तो ये सारी दिक्कतें काफ़ी कम होगी या फिर आप लोगों को दिक्कतें होंगे ही नहीं, और डॉग का जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरा इसका बेनिफिट है हार्ट से रिलेटेड। अगर डॉग में हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो काफ़ी फ़ायदा करता है। बात करें तीसरे बेनिफिट की तो वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है, जो कि है हेल्दी स्किन। जी हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, जैसे ईचिंग हो गया या फिर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्किन डिजीज़ है, एलर्जी है, चाहे कुछ भी हो, हेयर की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कोट जो है वो साइन नहीं कर रहा है, या फिर किसी भी तरह का दिक्कत हो, तो इस कंडीशन में आप सैल्मन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, काफ़ी बढ़िया इसका रिज़ल्ट होता है, और कोई भी स्किन डिजीज़ हो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग इसका यूज़ ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, यानी कि जब दिक्कत हो गया उसके बाद ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग रेगुलर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, रेगुलर भी आप लोग दे सकते हैं। इसको वेट के हिसाब से देना होता है, 10 किलो पर हमें 1 टीस्पून देना होता है। अब आप लोगों के डॉग का कितना वेट है आप लोग अपने हिसाब से देख कर दे सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, 10 किलो के वजन के ऊपर 1 टीस्पून आप लोगों को देना है। इसके अलावा आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है, जो 2 महीने से छोटे पपी हैं उन लोगों को आप लोगों को सैल्मन ऑयल नहीं देना है। इसके अलावा आप लोग सैल्मन ऑयल देने से पहले एक बार डॉग के जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है लीवर डिजीज़ में या फिर किडनी का जो डिजीज़ है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसमें अवॉइड होता है। तो एक बार आप लोग कंसल्ट करेंगे, क्योंकि डॉक्टर को ही पता है, तो आप लोग एक बार बात करके फिर ही आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, जो कि है आप लोगों को डायरेक्ट बहुत ज़्यादा आप लोगों को सैल्मन ऑयल को नहीं देना है। मेरा मतलब है डायरेक्ट का मतलब आप लोग खाने में तो मिला के देंगे, लेकिन डायरेक्ट का मतलब है आप लोगों को पहली बार ही 1 टीस्पून मैंने बताया है आप लोगों को उतना नहीं देना है, आप लोगों को पहली बार थोड़ा सा कम देना है, क्योंकि इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसका स्टमच उसे एक्सेप्ट कर ले, तो आप लोगों को उससे कम देना है, और धीरे धीरे आप लोगों को जब थोड़ा दिन बीतेगा तो आप लोगों को 3 से 4 दिन में उसका जो 1 टीस्पून है आप लोगों को पूरा 10 किलो पर आप लोगों को देते रहना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोगों को शुरू में थोड़ा कम देना है और धीरे धीरे आप लोगों को उसका जो क्वांटिटी है आप लोगों को जितना मैंने बताया है 10 किलो पर 1 टीस्पून आप लोगों को उतना देना है। तो फाइनली मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग सैल्मन ऑयल अपने डॉग को दे सकते हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, तो आप लोग सैल्मन ऑयल अपने डॉग को ज़रूर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।